अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर द होस्टलर्स, न्यू कमर्स ऑफ फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी गर्ल्स हॉस्टल्स। सो लेट्स गो एंड हैव अ ब्रीफ टूर ऑफ द हॉस्टल। आप सब सोच रहे होंगे आपी महपाड़ा को क्या हुए हैं, कैसी? एक्चुअली आपी महपाड़ा प्रोफ ज़्यादा है, वी आर हैविंग हार्डली अबाउट 1.5 वीक रिमेनिंग इन आवर प्रोफ। फिर भी आप सबके लिए टाइम निकाल के वीडियो बना रही हूँ। मैं हॉस्टल आई हुई थी पढ़ने के लिए, सो मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए कुछ गाइडलाइन कुछ कवर कर लेती हूँ ताकि इनको बाद में फ़ायदा हो, क्योंकि मुझे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं गर्ल्स हॉस्टल के बारे में। कुछ चीज़ें मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कवर की थी, अब जो रह गई हैं वो इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर करूँगी, और मैं उस वीडियो का लिंक भी मैंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। सो जिसने देखनी हो उस वीडियो को देख ले, ठीक है? सो अभी मैं हॉस्टल रूम में हूँ और अब हम यहाँ से चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे सबसे पहले आके फर्स्ट ईयर MBBS के बच्चों ने स्टे करना है। इट्स अ कॉमन रूम, एक कॉमन हॉल होता है, ठीक है? उसके अंदर आपने सब ने स्टे करना होता है। राउंड अबाउट 50 to 60 बच्चे एट अ टाइम उसमें स्टे करते हैं, ठीक है? ये एक हॉस्टल है, इसी तरह ये एक हॉल है, लाइक वी आर हैविंग डिफरेंट हॉल्स, जिना हॉल, लियाकत हॉल, ठीक है? इसी तरह और भी हैं, तो एक मैं उनमें से आपको एज अ डेमो दिखा देती हूँ, बाकी भी ऐसे ही हैं। और उसके बाद मैं सबसे ज़्यादा अमेजिंग चीज़ दिखाऊंगी आप लोगों को हॉस्टल की। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग गाइज। आजकल मेरा बहुत मुश्किल टाइम चल रहा है कि ऐसा टाइम है जब मेरे पास सर में कंघी करने का टाइम नहीं है, वैसे ही उठ के ना अपने मुंह की परवाह है ना अपने लिप्स भी, आप देख सकते हैं वैसे एवरीथिंग इज नेचुरल, जस्ट नेचुरल इन फ्रंट ऑफ कैमरा। तो कुछ भी अपना भी बुरा हाल है क्योंकि प्रोफ आ रहा है, तो प्रोफ में हमें किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, बस हमें ये होता है कि यार हम कुछ हमें टाइम मिले तो हम उसको यूटिलाइज कर लें, बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। लेकिन आप सब के लिए वीडियो बना रही हूँ, अब आई एम नॉट श्योर कि कब आएगी, कब अपलोड होगी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि अपने प्रोफ से पूरा 1.5 हफ्ता पहले मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, ठीक है? अब आप सबका काम है कि मुझे सपोर्ट भी करें, ठीक है? जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो अपने फेलोज़ हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, स्पेशली दिस इज़ अबाउट गर्ल्स हॉस्टल, सो अपने फेलोज़ के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले, ठीक है? क्योंकि आई एम सपोर्टिंग यू गाइस। गर्ल्स ये एक छोटा सा किचन है, सफाई आप इसकी देख सकते हैं, इस पर आप चाय बना सकते हैं और अपना खाना गर्म कर सकते हैं, यहाँ पे बर्तन वॉश कर सकते हैं। आजकल सर्दी है, इंतहाई ठंडा पानी है इसमें, लेकिन जो मैंने अभी आपको वॉशरूम दिखाया है वहाँ पे गर्म पानी होता है। और ये नोट है कि सफाई का खास ख्याल रखें क्योंकि आप इंसान हैं, जानवर नहीं। सो फर्स्ट ईयर MBBS, ये है जगह जो आपकी मुंतज़िर है, जो लोग आ रहे हैं फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी गर्ल्स हॉस्टल में। और ये है जी कॉमन रूम, अब हम चलते हैं इसके अंदर। गर्ल्स ये है कॉमन रूम, ये था जी कॉमन रूम। मैं अपने अपने मैट्रेसेस, अपने पिलो, अपने क्लोथ्स और सारा जरूरी सामान आपने खुद लेके आना होता है। अब मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ की सबसे अमेजिंग चीज़ जो है यहाँ का रीडिंग रूम। सो लेट्स गो। मोस्टली पेरेंट्स की क्यूरीज होती हैं कि क्या हॉस्टल जो है वो को है, हॉस्टल्स को बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ बहुत सख्त पहरा होते हैं। ये गर्ल्स हॉस्टल है, इसी तरह बॉयज़ हॉस्टल है, आगे बिल्कुल सेपरेट है, सेपरेट गेट्स हैं और इंट्रेंस एग्जिट, हर चीज़ का यहाँ बहुत ख्याल रखा जाता है। लाइक अगर शाम के 7 PM यहाँ का जो है वो गेट बंद हो जाता है, हॉस्टल का मेन गेट, तो उसके बाद ना आप बाहर जा सकते हैं ना आप अंदर आ सकते हैं, और अगर आप ऐसे करते हैं, रूल्स की वायलेशन करते हैं, तो आपको फ़ाइन भी पे करना पड़ता है। बाकी अगर मेस की बात करें खाने की, तो उसकी अगर बात करें तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। लाइक अगर हम देखें तो सबसे पहले हॉस्टल की फ़ी होती है पर ईयर, पूरे साल की सालाना फ़ीस होती है अबाउट 50,000, ठीक है? वो आपने देनी होती है। और उसके बाद जो मेस की फ़ी है वो हमने अलहदा देनी होती है, ठीक है? मेस का उसमें ये होता है कि आप एक दिन का जितना खाओगे या तो आप रोज़ का रोज़ उसको पे कर दो,
ठीक है, या फिर उसका जो है वो एक रजिस्टर है वहाँ पे बना हुआ मैस एरिया में, तो वहाँ पे लिखते जाते हैं बच्चे, तो फिर मंथ के एंड पे वो पे कर देते हैं। ठीक है, ये भी है कि अगर आपको मेस का खाना नहीं पसंद आता, कभी आपका दिल नहीं करता, तो आप बाहर से ऑर्डर भी कर सकते हैं और आप खुद भी घर से सामान ला सकते हैं। बच्चे जो है अपने बर्तन लेके आते हैं और अपने घर से मामा जो खाना वगैरह बना के देती हैं वो ले आते हैं, इधर फ्रीज़र रख लेते हैं, उसके अंदर स्टोर कर लेते हैं, तो इस तरह काफ़ी हेल्प हो जाती है। और मोस्टली जो मेडिकोज हैं उनको चाय का इशू होता है, 90% मेडिकोज चाय के बगैर तो उनके बस ज़िंदगी नहीं आगे चलती, लाइक मी, मेरी चाय के बगैर बिल्कुल ज़िंदगी नहीं आगे चलती। तो मैं यहाँ पर कुछ दिन रहने के लिए आई हूँ, इट इज़ अ मिस्ट्री एक्चुअली कि मैं यहाँ पर क्यों आई। गर्ल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट जब आपको रूम अलॉटमेंट होती है तब आपको एक लॉक और की मिलती है, और अगर आप की अपने रूम के अंदर ही भूल जाएं और रूम को बाहर से लॉक करके चले जाएं तब आपको इसका 1000 रुपीज़ फ़ाइन होगा। इसीलिए मैंने अपने क्लच के साथ ही की को हैंग किया हुआ है। कॉमन रूम में रहने का ये फ़ायदा होता है कि सबसे पहले जब आप फर्स्ट ईयर MBBS में आते हैं तो आप किसी को जानते नहीं होते, क्योंकि मोस्टली हर सिटी में से कोई 10 to 15 स्टूडेंट्स ही MBBS में या BDS में जिन बच्चों का एडमिशन होता है, दे आर हाईली सिलेक्टेड पीपल, दे आर द क्रीम ऑफ द नेशन, चंद लोग होते हैं हर सिटी में से आते हैं और हार्डली दे नो ईच अदर। तो कॉमन रूम में रहने का ये फ़ायदा होता है कि दे स्टार्ट नोइंग ईच अदर, उनमें बॉन्डिंग बन जाती है, एक हेल्दी रिलेशनशिप बन जाता है जिससे वो एक दूसरे का ऐसे साथ देते हैं जैसे फैमिली मेम्बर्स होते हैं। और जब आप यहाँ करीबन रहते हैं ना, इकट्ठे रहते हैं, 5 साल बाद में इकट्ठे रहना होता है, जब आप यहाँ पे इकट्ठे रहते हैं तब आप एक दूसरे की हेल्प करना सीखते हैं, आप ग्रुप में काम करना सीखते हैं, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ आती हैं, आपके अंदर लोगों के साथ मिलके काम करने का जज्बा और वो अंदाज़ आते हैं कि जिस तरह आप एक ग्रुप के फॉर्म में काम करते हैं। और वो कहते हैं ना कि एक अकेला और 2 11 होते हैं, अगर आपका एक भी अच्छा फ्रेंड हो तो फिर आप मिल के हर चीज़ ऐसे कर लेते हैं, आपको बिल्कुल भी यहाँ पे कहीं भी जाने में डर नहीं लगता, क्योंकि न्यू आते हैं तो हर चीज़ जो है वो नहीं होती है, तो वैसे बंदे को थोड़ा सा खौफ आता है कि यार अकेले जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि घर में तो हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो हमें हर जगह हमारी उंगली पकड़ के लेके जाते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे याद आती हैं। लेकिन होम सिकनेस भी होती है, लेकिन उसका हल यही है, क्योंकि आप लोगों की मोटिवेशन ये होनी चाहिए कि हम यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहे हैं और हमने यहाँ से डॉक्टर बन के निकलना है, और जब आपकी ये मोटिवेशन होगी तो आपके लिए हर चीज़ एक पहाड़ भी ज़र्रा हो जाएगा, आपके लिए हर चीज़ आसान से आसान होती जाएगी, जब आपने अपना मकसद याद रखना है। ठीक है, आप लोगों ने ये सारा कुछ बर्दाश्त करना है सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए और खुद एक काबिल और अच्छा इंसान बनने के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबके हामी और नासिर हों, और मुझे दीजिए इजाज़त, और अब मैंने पढ़ना है इंशाल्लाह, और मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआएं कीजिएगा। आप सब कुछ सीखते हो, खुद करना सीखते हो, सबसे पहले तो हम घर में अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होते हैं, और वैसे भी हम FSC प्री मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, और इंजीनियरिंग और FSC प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स तो कुछ ज़्यादा ही डिपेंडेंट होते हैं, मतलब हर चीज़ पेरेंट्स ने करके देनी होती है, बड़े बहन भाइयों ने बहुत हेल्प करते हैं, आई अप्रिशिएट, मेरा भी यही सीन है, मेरे पेरेंट्स मुझ पर जान देते हैं और मेरी हर लिहाज से माशाल्लाह वो हेल्प करते हैं, और सबके पेरेंट्स करते हैं कि उन्हें पता है यार बच्चों ने पढ़ना है, तो वो हमें खुद कोई काम करने नहीं देते, लेकिन यहाँ आके हमें सब कुछ खुद करना पड़ता है। लाइक अभी देखें तो विंटर वेकेशन चल रही है, तो मैस तो ऑफ है फॉर अबाउट 10 to 15 days, और इसमें हमें अपने खाने का भी खुद अरेंजमेंट करना पड़ता है, वो जो मैंने आप लोगों को किचन दिखाया उसके अंदर अब चाय भी बनाते हैं, खाना भी बनाते हैं, तो खाना ये है कि घर से ले आए हैं, अब उसको गर्म करके खा लेते हैं, लेकिन घर में मतलब ये चीज़ें भी हमें, एक तो फ्रेश फ्रेश चीज़ें मिलती हैं, हमारी मामा हमारा इतना ख्याल रखती हैं, हमें जो है वो गरम गरम रोटी मिलती है, गरम गरम सालन, फ्रेश हर चीज़ मिलती है, और जो हम चाहें हमारे पेरेंट्स हमें हमारे मुंह से निकलने से पहले हर चीज़ ला के देते हैं, लेकिन यहाँ ये है कि पेरेंट्स की कमी फील होती है, सो वो लोग जिनको अपनी मम्मा के हाथ का खाना पसंद नहीं आता या उसमें नुक्स निकालते हैं, अभी आप लोग अपने पेरेंट्स के, अपनी मम्मा के ख़ास तौर पर हाथ चूमें, क्योंकि उनकी वजह से ही आप जो है ना जो कुछ भी हैं उनकी वजह से ही हैं, उन्होंने आपका बहुत ख्याल रखा है, और यहाँ आएंगे ना जब आप तब आपको फील होगा। अभी मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने आपको बताया ना पहले कि मैं सिर्फ अबाउट
वन एंड हाफ वीक के लिए आई हूँ यहाँ पे पढ़ने के लिए वो भी, और मुझे लग पता गया है कि यार वाकई ये हॉस्टल हॉस्टल है और घर घर होता है। तो अगर आप किसी और सिटी में हैं और अगर आप जूनियर हैं, अब फर्स्ट ईयर MBBS के जो बच्चे हॉस्टल्स हैं उन्होंने तो प्रेफरेंसेस दे दी होंगी, लेकिन जो न्यू कमर्स हैं, जो जूनियर्स हैं, जो FSC के स्टूडेंट्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको यही कहूँगी कि आप लोग प्रेफर करें कि अपनी ही सिटी को चूज़ करें, ठीक है। जैसे मेरी सिटी थी, मेरे पास ऑप्शन था, मैं लाहौर जा सकती थी, लेकिन मेरी सिटी फैसलाबाद है, मैंने PMC को चूज़ किया। और MBBS की स्टडी इक्वल होती है, हर जगह सेम बुक्स होती हैं, और पढ़ना हमने मोस्टली जो होता है ऑनलाइन होता है। टीचर्स यहाँ भी टीचर्स पढ़ाते हैं, लेकिन जो हमारे ज़्यादा हमें जो सेटिस्फेक्शन होती है ना, वो हम फिर ऑनलाइन खुद ही सर्च करके पढ़ते हैं। मोस्टली हमने खुद ही सब कुछ करना होता है, सिलेबस सारा कुछ सेम होता है, डिग्री सबकी सेम होती है। तो इसमें ये है कि आप लोग अपनी सिटी को प्रेफर करें, ठीक है। लेकिन आपके अगर मेरिट का मसला, फिर आप जाएँ हॉस्टल हो, लेकिन प्रेफर करें अपनी सिटी को। गाइस, हियर इज़ अ मिस्ट्री, व्हाई डॉक्टर महपारा इज़ इन हॉस्टल, हॉस्टल में क्या कर रही है, इवन शी इज़ अ डे स्कॉलर। सो इस मिस्ट्री का आंसर मैं आपको इस वीडियो के एंड पे दूंगी, सो कीप वॉचिंग टिल एंड। अब आप में से मोस्टली बच्चों का ये क्वेश्चन होगा कि ये जो कॉमन रूम है जो मैंने अभी आपको दिखाया है, इसके अंदर ही हमने रहना है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसका ये सीन है कि आपको करीबन 5 से 6 महीने इसके अंदर रहना होगा, और उसके बाद फिर आपको रूम्स अलॉट हो जाएंगे। उसमें ये सीन होते हैं कि 3 से 4 बच्चे या 5 से 6 बच्चे जितने भी ग्रुपिंग है ना, उसके लिहाज से वो अलॉट होते हैं। आप अगर कम बच्चों वाला लेना चाहते हैं वो ले लें, अगर ज़्यादा बच्चे आपके ज़्यादा ग्रुप में फ्रेंड्स बन गए तो वो वाला ले लें। रूम अलॉटमेंट होती है और उसका प्रोसीजर होता है, वो आप जब यहाँ पे आएंगे आपको पता चल जाएगा। बाकी लॉन्ड्री की बात करें तो लॉन्ड्री का ये सीन होता है कि आप खुद भी अपने कपड़े धो सकते हैं, वीकेंड पे अपने घर भी लेके जा सकते हैं, वहाँ से वॉश करवा सकते हैं, या फिर यहाँ जो आंटीज़ हैं वो रूम क्लीनिंग करती हैं रोज़, तो आप उन आंटीज़ के थ्रू भी उनको कहकर, उनको पे करके भी आप अपनी लॉन्ड्री करवा सकते हैं। और बाकी इसमें बर्तन धोने का भी होता है, तो बर्तन मोस्टली बच्चे अपने खुद ही धो लेते हैं और आंटीज़ को भी कह देते हैं, आंटीज़ फिर उसके पैसे लेती हैं, बस इतना सा ही फ़र्क होता है, ठीक है। गर्ल्स, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे भाई की शादी आ रही है। यू कैन सी माई ब्यूटीफुल लुक्स ऑन माई इंस्टाग्राम पेज, दिस इज़ डॉक्टर महपारा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर देती हूँ। यू कैन फॉलो मी एंड यू कैन सी माई ब्यूटीफुल लुक्स, एंड इंशाल्लाह आई विल बी लुकिंग समथिंग डिफरेंट ऑन माई ब्रदर्स वेडिंग। दिस वन इज़ फॉर माई फैमिली, पापा मामा भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई एम रियली मिसिंग यू ऑल, बहुत याद आ रही है मुझे आप सबकी, स्पेशली जो घर के इवेंट्स हैं आजकल, मैं पेपरों की वजह से उन सबको मिस कर रही हूँ। ढोलकी स्पेशली मुझे बहुत अच्छी लगती है और बहुत मज़ा आता है, और स्पेशली हमारे घर की पहली ढोलकी है और मैंने सिर्फ 2 ढोलकियाँ अटेंड की हैं। यू कॉन्ट जस्ट इमेजिन द पेन, यू कैंट जस्ट फील द पेन जब आपके अकेले भाई की शादी हो और पहली शादी हो आपके घर की, और आपको इतना कुछ मिस करना पड़े। ये सिर्फ स्टडीज़ के लिए है, प्रोफ के लिए है, और आप सब दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे। गर्ल्स, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट हॉस्टल हैज़ नो फैसिलिटी ऑफ इंटरनेट, सो आप अपना बैलेंस और पैकेज करवा के आएँ, क्योंकि इट विल हेल्प यू इन वॉचिंग द यूट्यूब वीडियोज़। और बाकी अगर आपने व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करनी हो, अपने फ्रेंड्स अपने पेरेंट्स वगैरह से बात करनी हो, तो उसमें भी आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। और कुछ पूछना हो तो आप मुझसे वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल रिस्पॉन्ड। गाइस, बहुत टफ टाइम है, आप सबके लिए वीडियो बना रही हूँ, आई डोंट नो कब मैं इसको एडिट करूँगी, कब मैं इसको पोस्ट करूँगी, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट के आप सबके हॉस्टल आने से पहले पहले मैं इंशाल्लाह इसको वाइंड अप करके इसको पोस्ट कर दूँ। लेकिन बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने मैनेज करनी है, बस आप सब मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड कीप चेयरिंग, अपना ख्याल रखिएगा, और अल्लाह हाफिज़।